कबूलीत का वक्त ऐसी सात कि जिस सात में बंदा अपने परवर दिगार से जो भी मांगे रब करीम उसे आता फरमाता है चुनाचे नसाई शरीफ हदीस नंबर 1392 थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी टू नबी पाक साहिब लौलाख लौला सल्ल तसल् इरशाद फरमाते हैं कि मुबारक का दिन बारह सातों पर मुश्तमिल है जो बंदा अल्लाह तबारक व ताल से कुछ मांगे तो रब करीम उसे इनायत फरमाएगा तो उस वक्त को असर के बाद आखिरी सात में तलाश करो सैद ने जन्नत के बारे में भी मशहूर है कि वो जुमा के दिन आखिरी सात यानी गुरूब आफ्ताब से कबल अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में दुआएँ मांगती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला तल्लम के इरशाद से भी वाजे हो रहा कि असर के वक्त आखिरी साध यानी गुरूब आफ्ताब से कबल अल्लाह की बारगाह में ख़ूब मांगा जाए और जो भी हाजत हो अल्लाह तबारक व ताल की बारगाह में पेश करें तो रब करीम ज़रूर जो है इस हाजत को पूरा फरमाएगा तफसर अजीज़ी के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज़ मोहदीस दाहलवी ताला ले फरमाते हैं कि ये जो जुम्मो के दिन असर के बाद का वक्त है ये हज़रत आदम अली सलाम की विलादत का वक्त है तो इसकी बरक़त से भी अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता रब्बे करीम हम सब को मुस्तब बनाए